हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। आज 20 जनवरी 2019 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और इस पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट है examguruji.in या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एमपीपीएससी प्री 2019 के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस 8 बजे हमारी यूट्यूब चैनल पर होती है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पर आप कोर्स के लिए एमपीपीएससी के लिए और एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज और एमपीएसआई 2019 के लिए कोर्स के लिए भी आप और टेस्ट सीरीज के लिए आप चेक कर सकते हैं। शुरू करेंगे वीडियो। सबसे पहले कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे। पहला प्रश्न कि किसने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात के नवे संस्करण का उद्घाटन किया और ये उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न, स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BES एक्सपो 2019, इसका जो है उद्घाटन कहां किया गया, तो इसका उद्घाटन जो किया गया नई दिल्ली में किया गया। वहीं तीसरा प्रश्न था कि दुनिया का दूसरा विश्व संतरा महोत्सव कहां शुरू हुआ है और यह शुरू हुआ है नागपुर के अंदर, जिसको संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न है कि किसने 17 जनवरी को बेंगलुरु में उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है इसरो के द्वारा। वहीं पांचवा प्रश्न है, लिबकाइन और कौन मिलकर जो है भारत की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री का निर्माण करेंगे और इसका निर्माण किया जाएगा भेल, भारत की तरफ से भेल होगा और लिबकाइन इसके दो ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करेंगे। वहीं छठवां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और ये जो जुर्माना लगाया गया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया गया है। वहीं सातवां प्रश्न है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इसके द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में जो होगा भारत का, उसमें भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और इन्होंने अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी में 7.5% की वृद्धि होगी। वहीं आठवां प्रश्न है कि किसे 16 जनवरी 2019 को 2019 जापान पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है और इससे सम्मानित किया गया डॉक्टर रतन लाल को। और नवा प्रश्न है कि लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ ईयर अवार्ड में नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है और इनका नाम है विनेश फोगाट। काफी लंबे समय के बाद इन्होंने कमबैक किया था। वहीं दसवां प्रश्न है कि भारत किस देश में सभी प्रारूपों में द्विपक्षीय श्रृंखला जीतने वाली पहली मेहमान टीम बन गई है और ये मेहमान टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया में, भारत ने ऐसा किया है। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पहला भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय भारतीय सिनेमा का है, एक्चुअल में ये इसमें जोड़ लीजिएगा, भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय का जो है शुभारंभ किया है और इसका जो शुभारंभ किया गया है वो मुंबई में किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही है, जहां पर बॉलीवुड स्थित है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा। इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय NMIC इसका जो है उद्घाटन किया है और विशेष किया कि 140.6 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें दृश्य ग्राफिक्स कलाकृतियां इंटरेक्टिव प्रदर्शन और मल्टीमीडिया एक्सपोजन की वजह से जो कहानी दिखाने का तरीका है और उसके द्वारा भारतीय सिनेमा की एक सदी की जो पूरी यात्रा रही, 100 वर्षों की यात्रा रही है, इसको उसमें जो है दर्शाया गया है। तो कहां स्टार्ट किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा, मुंबई में स्टार्ट किया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि सरकार ने पहली बार महिलाओं को अधिकारी स्तर के नीचे के रैंकों में कहां शामिल करने का फैसला किया है और अभी तक अधिकारी रैंकों में ही भर्ती होती थी और ये शामिल किया गया है मिलिट्री पुलिस में। याद रखिएगा, मिलिट्री में बहुत सारे काम होते हैं, मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को अधिकारी रैंक से नीचे के पदों पर भी भर्ती करने का फैसला किया गया है। अब इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो सरकार ने पहली बार महिलाओं को अधिकारी स्तर के नीचे में मिलिट्री पुलिस में भरने का फैसला किया है और इसकी जानकारी निर्मला सीतारमण जी, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा दी गई एक ट्वीट में। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सेना में चरणबद्ध तरीके से, मतलब एक के बाद एक भर्ती किया जाएगा और मिलिट्री पुलिस में भी लगभग 20% महिलाओं की भर्ती होगी। अभी तक किन किन जो है शाखाओं में, जो मिलिट्री की शाखा है वहां पर महिलाएं काम कर रही हैं, तो यह चिकित्सा, कानून, शिक्षा, सिग्नल और इंजीनियरिंग, इन शाखाओं में भी महिलाओं को भर्ती किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि तीसरा प्रश्न है कि किसने गुजरात में हजीरा जगह है वहां पर लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT आर्म सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स कार जो है राष्ट्र को समर्पित किया और ये समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सी ऑप्शन का सही है। और क्या यहां पर निर्मित होगा, इसकी डिटेल देख लीजिए। तो राष्ट्रपति ने गुजरात में हजीरा जगह है वहां पर लार्सन एंड टुब्रो LNT आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया और इस कारखाने में मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत 100 जो होविट्जर तोप है, यहां पर आप देख पा रहे हैं होविट्जर तोप है, इनका जो है निर्माण इसमें किया जाएगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नवासारी के अंदर निराली कैंसर अस्पताल की भी आधारशिला रखी है। तो ये दो काम उनके द्वारा किए गए हैं। आज अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, जो कि है चौथा प्रश्न कि भारत ने किस देश से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। तो भारत ने जिस देश से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है उसका नाम है उज्बेकिस्तान। किसके लिए? उज्बेकिस्तान। तो डी ऑप्शन का सही उत्तर है, उज्बेकिस्तान। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत ने परमाणु ईंधन का जो भंडार है उसको बढ़ाने के लिए यूरेनियम की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान से एक अनुबंध किया है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के काम में आता है। और गांधीनगर में जो वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया गया था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव वो उपस्थित थे और उन दोनों ने इस पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। और विशेष जानकारी उज्बेकिस्तान के बारे में बता दें कि विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक कोई देश है, तो वो सातवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो वो उज्बेकिस्तान है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे पहला नंबर वन यूरेनियम का जो है निर्यातक देश कौन सा है। उज्बेकिस्तान, राजधानी इसकी ताशकंद है, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव है और मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। 1 इंडियन रुपीज में 117 उज्बेकिस्तानी सोम होते हैं। चलिए मैप में मैं अब आपको उज्बेकिस्तान लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको उज्बेकिस्तान के लिए जाना है तो मूव कीजिए ऊपर की तरफ। और ऊपर आप जाएंगे तो ये जो कॉफी कलर में आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये उज्बेकिस्तान है, जिसकी राजधानी यहां पर देखिए ताशकंद है। इसके बगल में कौन सा देश है? इस तरफ देखेंगे आप तो इस तरफ किर्गिस्तान है, यहां पर आप देखेंगे तो ये ताजिकिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे तुर्कमेनिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है। इन देशों के बीच में उज्बेकिस्तान है, जहां पर एक शहर का नाम समरकंद भी है, काफी फेमस है ये, और ताशकंद इसकी राजधानी है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पांचवा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कहां दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, और ये दूसरा जो उद्घाटित किया जाएगा ये किया जाएगा तमिलनाडु में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, तमिलनाडु। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जनवरी को तमिलनाडु के रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन वो औपचारिक उद्घाटन करेंगे, और इसके अंदर 3 समझौता ज्ञापनों पर भी इसके तहत हस्ताक्षर किए जाएंगे। देश का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा होगा। अच्छा, ये दूसरा होगा तो पहला कहाँ है? पहला जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है और इसका उद्घाटन 2018 में अगस्त के महीने में किया गया था। रक्षा मंत्री इसके अलावा त्रिची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोयम्बटूर रक्षा नवाचार केंद्र का भी उद्घाटन करेंगी। त्रिची कहां है? केरल में। अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, हमारा 2000 अगला छठवां प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, राइट? और किस देश ने इसको जो है लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जापान के द्वारा। बी ऑप्शन सही है, जापान। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है उसने दुनिया की पहली कृत्रिम उल्का वर्षा करने के उद्देश्य से टोक्यो के में एक स्टार्टअप है स्टार ALE, इसके मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब इस क्या करेगा ये उपग्रह 400 छोटी छोटी गेंदों को अंतरिक्ष में ले जाएगा और जो 20 से लेकर 30 घटनाओं के लिए पर्याप्त होगा, मतलब इस प्रकार की घटनाएं वहां पर दिखाई आसमान में देंगी, और ये छोड़े जाने पर वातावरण में से में नीचे आएंगे। ये योजना 2022-20 में हिरोशिमा में अपना पहला शो करने की इसके तहत योजना बनाई गई है इनके द्वारा। बढ़ते हैं अब जापान की तरफ। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है, जहां पर 2020 के अंदर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं और मुद्रा जो है यहाँ की जापानी येन है। 1 इंडियन रुपीज में 1.54 जापानी येन होते हैं। और ये याद रखिएगा, जो जापान का ओलंपिक होगा वो 1964 के बाद दूसरा ओलंपिक होगा जो जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। अब मैप में मैं आपको कहां लिए चलता हूं? जापान लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो आपको मूव करना होगा पूर्व की तरफ। पूर्व में आप देखेंगे तो ये जापान है, इसकी राजधानी यहां पर आप देखिए टोक्यो, ये इसकी राजधानी है, और ये साउथ कोरिया है जो इसके पास में लगता है। ऊपर इस तरफ देखेंगे तो रशिया के साथ इसकी जो है सीमा पास पड़ती है, और इस तरफ इसके जो आप देखेंगे तो ये पूरा प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बीच में ईस्ट सी यानी पूर्वी सागर और सी ऑफ जापान यानी कि जापान का सागर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सातवां कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 14वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा।
तो 14वें सत्र की जो मेजबानी की जाएगी वो की जाएगी भारत के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही है, भारत। इसकी डिटेल देखिए क्या है। सबसे पहले कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, जिसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके इस मंत्रालय के अनुसार भारत जो है भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण के मुद्दों का समाधान करने के लिए 2019 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कर पार्टियों का सम्मेलन है, जिसको UNCCD COP14 इसके नाम से जाना जा रहा है, COP24, तो इसके 14वें सत्र की मेजबानी भारत करेगा। आयोजन में 200 से सॉरी 100 से अधिक देशों के द्वारा भाग लिया जाएगा और इसको अक्टूबर 2019 के महीने में आयोजित होने की संभावना है। और UNCCD COP14 इसका लक्ष्य 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना और भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना। तटस्थता प्राप्त करना मतलब धीरे धीरे जो भूमि क्षरण की तरफ बढ़ रही है या जो मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ रहा है तो उसको रोकना। रोकने से मतलब यह है कि उसको वहीं के वहीं रोक देना, स्टॉप करना, यानी कि और वो समस्या ना बढ़े। साथ में भारत इसमें जो है अपनी प्रतिबद्धता है कि हमें ऐसा करना है, तो इन दोनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 8वां प्रश्न है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 जो है वो किसके द्वारा जारी की गई, तो ये जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डिटेल देख लीजिए आखिर यह है क्या। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019, ये 14वां संस्करण है, 14वां साल है जब इसको जारी किया जा रहा है, और रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है कि रिपोर्ट का जो निष्कर्ष निकाला गया है कि वार्षिक वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण के आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला गया है। और विशेष क्या है कि इस रिपोर्ट में व्हाट इफ, क्या हो अगर शब्दों की एक श्रृंखला शामिल की गई है। इसमें भविष्य में आने वाले जो जोखिम होंगे, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, मौसम में तात्कालिक परिवर्तन, भावनात्मक रूप से उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अगर भावनात्मक रूप से भी सक्षम हो जाए, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, और इसी प्रकार के जो संभावित खतरे पूरे विश्व के सामने हैं उस पर इसमें जो है चर्चा की गई है। वही बात करें विश्व आर्थिक मंच की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो विश्व आर्थिक मंच का जो है स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और एक गैर लाभकारी संस्था, एनजीओ टाइप की संस्था है। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और उसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब साहब हैं। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीजी किन्हें नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं प्रभात सिंह साहब। ए ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है प्रभात सिंह, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक जांच नियुक्त किया है, डीजी जांच वाले उसके लिए नियुक्त किया है। वर्तमान में ये जो है 1985 बेस के आईपीएस अधिकारी हैं और केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल में सीआरपीएफ में निदेशक हैं। और कब तक काम करेंगे, तो 30 अप्रैल 2020 तक के लिए इनकी जो है नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, और अध्यक्ष कौन है इसके, तो जस्टिस HL दत्तू वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न क्या है कि HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अब इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम किया गया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, यानी बीच में से स्टैंडर्ड शब्द हटा दिया, सिर्फ HDFC लाइफ इंश्योरेंस रखा हुआ है। और इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने नियामक अधिकारियों से प्रासंगिक अनुमोदन, यानी कि जो इसके अधिकारी हैं उनसे अनुमोदन लिया, और इसके प्राप्ति के बाद इसका नाम चेंज कर दिया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है, राइट। और नाम में परिवर्तन प्रभावी हो गया है और कंपनी इसके नाम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से कार्य अब करेगी। बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी टैगलाइन क्या है, सर उठा के जियो, ये इसकी जो है टैगलाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर उठा के जियो। MD और CEO है सुश्री विभा पाडलकर। वहीं HDFC बैंक की बात करें, इसका मुख्यालय मुंबई में है, MD आदित्यपुरी साहब है, और टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डे की। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की स्थापना कब हुई थी, तो ये जानकारी हमें कपिल देव जी ने दी है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, इसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 को हुई थी और स्थापना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और क्षेत्र क्या है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, और प्रमुख व्यक्ति वर्तमान में अतुल सुबोती हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उत्पाद क्या काम करती है, पावर जनरेटिंग इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इनके लिए जो है उत्पाद तैयार करने का काम करती है।
और आज का प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके वर्तमान में महासचिव कौन है, और इसके बारे में और मुझे जो जानकारी आप दे सकते हैं तो उसका मैं बहुत स्वागत करूंगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।